मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कई मुकाम हासिल कर चुकी है और टेलीकॉम कंपनी के नए कमाल करने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 4G नेटवर्क की उपलब्धता के मामले में भारत ही नहीं दुनिया की किसी भी कंपनी के मुकाबले रिलायंस जियो का प्रदर्शन बेहतर है। लंदन की मोबाइल एनालिटिक कंपनी ओपन सिग्नल की नई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। ओपन सिग्नल की मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का स्कोर 1% बढ़कर 97.5% तक पहुंच गया है, जो लगभग 6 महीने पहले 96.7% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का 97.5% का 4G उपलब्धता स्कोर सबसे ज्यादा है, जिसे उन्होंने अपनी किसी भी रिपोर्ट में देश के स्तर पर दर्ज किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जियो के इतने कम समय में 97.5% 4G उपलब्धता तक पहुंचने की उपलब्धि असल में हैरान करने वाली है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2 ऑपरेटरों ने 90% से ज्यादा स्कोर हासिल किया है, जबकि ताइवान में 4 ऑपरेटर इस निशान से ऊपर है, लेकिन अभी तक किसी भी बाजार में किसी ने भी 95% से ऊपर का स्कोर हासिल नहीं किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां तक कि यूरोप के सबसे विकसित मोबाइल बाजार माने जाने वाले नीदरलैंड में सिर्फ 1 ऑपरेटर ने 95% का निशान पार किया है और जापान में 2 ऑपरेटरों ने इस बेंचमार्क को हासिल किया है। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय एयरटेल ने 4G उपलब्धता में सबसे बड़ी वृद्धि हासिल की है, क्योंकि इसका स्कोर 10% से ज्यादा बढ़कर 85% से अधिक हो गया है। एयरटेल ने पिछले 6 महीने में अपने स्कोर को 1 मेगाबाइट तक बढ़ा दिया है, जो इसके कंपेटिटर जियो से तेज है। इससे एयरटेल ने अपने कंपेटिटर से अंतर को और भी बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब एयरटेल दूसरे टेलीकॉम कंपनियों से काफी आगे हो गया है। वोडाफोन ने 5.9 Mbps, आइडिया ने 5.4 Mbps, जियो ने 6.3 Mbps और BSNL ने 2.9 Mbps की डाउनलोड स्पीड दर्ज की गई है। ओपन सिग्नल ने कहा कि एयरटेल ने 4G उपलब्धता में सबसे बड़ी वृद्धि दिखाई है, क्योंकि इसका स्कोर सिर्फ 6 महीने में 10% से ज्यादा होकर 85.6% हो गया है। वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो इनका स्कोर 76.3% और 77% है।